चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मेरे पीछे शानदार द रैम्पार्ट्स ऑफ माउंट चोखंबा, ब्यूटिफुल। ओम श्री गणेशाय नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम्, गंगा जलम मस्तके, वामंगे गिरिराज राज तनया, जाया भवानी स्थिता। नंदस्कंध गणाधिनाद सहितः केदारनाथ प्रभु, केदारंचल संस्थितो हि सततम्, कुर्याम सदा मंगलम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, सर्व मंगल मंगले। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् ममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम्। सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वानरस्त्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे, हिमालये तु केदारं घुष्मेशंच शिवालये। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं एक नेचर लवर और पर्वतारोही हूँ। मैंने अपने पर्वतारोहण के कोर्स नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से कंप्लीट किए हैं। आज अपने चैनल वंदे हिमालय पे मैं एक वीडियो लॉग सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी एक पर्वतारोहण अभियान के बारे में है, जिसे लगभग 22 साल बाद सफलता के साथ पूरा किया गया। उस माउंटेन का नाम है चोखंबा वन, जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर्स है। इस पर्वतारोहण अभियान को मैं चैलेंजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सफल अभियान के बारे में जिसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, इसके पहले ये माउंटेन रिकॉर्ड्स के अनुसार 3 या 4 बार मैक्सिमम क्लाइम हुआ है। और लगभग 20 साल बाद इस चोखंबा वन पीक का दोबारा से सफल आरोहण किया गया है। इस कहानी का हीरो एक पर्वतारोही है, जिसने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए 10 मई 2022 को चोखंबा वन की चोटी को फतह किया। वो हीरो कौन है, ये जानने के लिए आप वीडियो के आगे के पार्ट्स जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द YouTube चैनल, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे हिमालय। ये एक प्राइवेट स्पॉन्सर्ड फॉरेन एक्सपीडिशन था, जिसे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन धौलाकुआ के संरक्षण में पूरा किया गया। इस टीम के एक्सपीडिशन टीम मेंबर्स के नाम इस प्रकार हैं। मिस्टर वस्ट्राटन जेफ फ्रांसल, ये इस टीम के एक्सपीडिशन लीडर थे और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। मिस्टर वर्बोबन गर्ट, ये बेल्जियम से हैं। मिस वर्म्यूलन एलन, ये बेल्जियम से हैं। मिस बिस्चॉफ थरीसा, ये ऑस्ट्रिया से हैं। मिस्टर बोरिस टेक्स्टर, ये नेदरलैंड्स के रहने वाले हैं। मैं हिमांशु जोशी इस अभियान के साथ एज अ लाइजन ऑफिसर सूचना अधिकारी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन धौलाकुआं द्वारा अपॉइंट किया गया था। टीम के अन्य सदस्य जो कि एडवेंचर टूर ऑपरेटर अबव 14,000 फीट से हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। मिस्टर भगवान ठाकुर, ये इस एक्सपीडिशन के मेन गाइड हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। मिस्टर चंदर ठाकुर, ये हाई एल्टीट्यूड हेल्पर, ये भी हिमाचल प्रदेश से हैं। मिस्टर दिनेश कुमार, ये भी एक हाई एल्टीट्यूड हेल्पर, ये भी हिमाचल प्रदेश से हैं। और मिस्टर सुरेंद्र ठाकुर, ये इस एक्सपीडिशन के मेन कुक थे, ये भी हिमाचल प्रदेश से हैं। इन सब के अलावा
मैं उन 50 पोर्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कड़ी मेहनत के द्वारा जो हमारा एक्सपीडिशन का राशन है या सामान है उसे 4600 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारा बेस कैंप स्टैब्लिश हुआ था वहाँ तक सब ज़ीरो टेम्परेचर में यात्रा करके पहुँचाया। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने हमें बीच एक्सपीडिशन में ज्वाइन किया, मिस्टर राजू जी। राजू जी लोकल जोशीमठ के रहने वाले हैं और इनको पहाड़ों का कई सालों का अनुभव है। चौखंबा पहाड़ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आता है जो गढ़वाल क्षेत्र में है। चौखंबा एक माउंटेन मैसिफ है। मैसिफ एक माउंटेनियरिंग शब्द है जिसका अर्थ है पर्वतों का समूह, अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। जैसे कि चौखंबा का नाम बताता है, चौ खंबा यानी कि चार खंभों का समूह। इंग्लिश में इसका मतलब है फोर पिलर्स। चौखंबा गंगोत्री ग्लेशियर के मुख पर स्थित है और हिंदू तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ जी के पश्चिम के नज़दीक है। माउंटेन का मेन समिट चौखंबा वन 7138 मीटर्स ऊंचा है और इसकी क्लाइंबिंग काफ़ी चैलेंजिंग है। यही वो पीक है जिसे हम इस पर्वत अभियान के दौरान सक्सेसफुली क्लाइंब करेंगे। इसके अन्य पीक्स हैं चौखंबा टू जो कि 7070 मीटर्स की हाइट पे है, चौखंबा थ्री जो कि 6995 मीटर्स की हाइट पे है, चौखंबा फोर जो कि 6854 मीटर्स की हाइट पे है। चौखंबा वन गंगोत्री रीजन का हाईएस्ट पीक है। चौखंबा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। सबसे आसान रास्ता माना गांव जो बद्रीनाथ जी के पास है वहां से होकर जाता है। इसके वेस्टर्न स्लोप से गंगोत्री ग्लेशियर शुरू होता है जिससे आगे चलकर भागीरथी नदी निकलती है। चार रास्तों से क्लाइंब हुआ है। नॉर्थ ईस्ट फेस जो भागीरथी खड़क ग्लेशियर की तरफ पड़ता है, द वेस्ट फेस जो गंगोत्री ग्लेशियर की तरफ पड़ता है, नॉर्थ फेस जो भागीरथी खड़क ग्लेशियर की तरफ पड़ता है और साउथ वेस्ट फेस जो गंगोत्री ग्लेशियर की तरफ पड़ता है। फेस क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है और ये रास्ता अभी तक अनक्लाइम्ड है। हिंदू माइथोलॉजिकल बुक महाभारता के अनुसार पांडव इसी रास्ते से सतोपंत ताल होते हुए स्वर्ग को गए थे। चौखंबा की क्लाइंबिंग हिस्ट्री की बात करें तो 1938 और 1939 के अनसक्सेसफुल क्लाइंबिंग अटेम्प्ट्स के बाद चौखंबा जो है वो फाइनली क्लाइम होता है 13 जून 1952 को एक फ्रेंच टीम के द्वारा, जिसमें मेंबर्स थे लूसियन जॉर्ज और विक्टर रोसनबर्ग। सेकंड अटेम्प्ट जो इसका था वो इंडियन आर्मी की टीम ने कुछ साल बाद सक्सेसफुली क्लाइम किया। नेहरू पर्वतारोहण के इंस्ट्रक्टर्स ने भी इस माउंटेन को सक्सेसफुली क्लाइम किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। तो ये था चौखंबा एक्सपीडिशन का पार्ट वन। इसके आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि हमने इस चौखंबा अभियान की शुरुआत कैसे करी, दिल्ली में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन धौला कुआं से, और किस तरह से हम चौखंबा के जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचे, हमें किन किन कठिनाइयों का सामना किया और क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस रहे। वंदे मातरम।